और सीधे हम अपने सहयोगी का रुख करते हैं दिनेश डांगी इस वक्त हमारे साथ धौलपुर से लाइव जुड़े हैं। दिनेश, सबसे पहले तो ये अपडेट कीजिए कि राहुल गांधी कब तक पहुंचने वाले हैं और कितना इंतजार वहां के कार्यकर्ता करें, क्योंकि दिग्गज भी वहां पे पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम आपसे सियासी सवाल भी पूछेंगे। जी, तकरीबन 11:30 बजे राहुल गांधी हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली से जो धौलपुर के मनिया कस्बा है वहाँ पहुँच जाएंगे और नेता कार्यकर्ता और लोगों का वहाँ जुटने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो 11:30 बजे आकर वहाँ पर राहुल गांधी पहले एक पब्लिक मीटिंग करेंगे और उनके बाद वो धौलपुर आएंगे। फिर उनका लंबा 150 किलोमीटर का रोड शो शुरू होगा। बाड़ी में फिर उनकी एक सभा होगी और उसके बाद बसेड़ी के अंदर उनकी सभा होगी। तो नेता और कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँच चुके हैं। देवेंद्र यादव है, सह प्रभारी रमेश मीणा है, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और पीछे ये जो होटल आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभी सचिन पायलट, अविनाश पांडे मौजूद है, वो यहाँ से रवाना है। और क्या कार्यक्रम होगा, मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा उनसे जाए किस तरह राहुल गांधी का आज पूरा कार्यक्रम है। देखिए, बहुत शानदार कार्यक्रम होगा, लाखों की संख्या में लोग शिरकत करेंगे, रोड शो होगा, विभिन्न स्थानों पर सभाएं होंगी, सब कार्यक्रम निर्धारित है और उसके पश्चात उनका नाइट से और उसके बाद बीकानेर के कार्यक्रम है। यहाँ देखिए, मुख्यमंत्री का गृह नगर है धौलपुर, लेकिन जनता में कितना बड़ा उत्साह, स्वस्फूर्त होकर जनता सड़कों पर अभी से मौजूद है। जैसे राहुल गांधी आएंगे, उनकी पहली सभा होगी, उसके बाद जो काफिला बढ़ेगा लाखों की संख्या में आगे चलता जाएगा। कि पूरा संभव राजस्थान में कई सालों बाद आपको मैं बता देता हूँ कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सारा ऐसा मौका और सहयोग है। 85 में राजीव गांधी आए थे, उसके बाद कांग्रेस का बड़ा दिग्गज नेता इतने सालों बाद आए, तो किस तरह यहाँ के लोग देख रहे हैं। पहले बीच में सोनिया जी भी आई थी यहाँ पर, और जब वो आई थी तो यहाँ में बहुत बड़ी सफलता मिली थी। अब राहुल गांधी जी के आने से सारी सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी और इसका एक बहुत बड़ा संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा, क्योंकि प्रदेश का कार्यकर्ता उनके हर बार कहीं ना कहीं आने पर उसका मनोबल बढ़ता है और पूरी शिद्दत के साथ वो जनता के बीच में पहुंचता है। राहुल गांधी जी जब डूंगरपुर आए थे, उन्होंने बात कही थी, जनता ने अपील मानी, एक तरीके से जनता की भावना की अभिव्यक्ति थी। मैं मान करके चलती हूँ आज भी कुछ ना कुछ ऐसा कह करके जाएंगे जो देश की जनता की भावना की अभिव्यक्ति होगी। भारतीय जनता पार्टी का जो नकाब है उसको बेनकाब करने का वो काम करेंगे और उन चीज़ों का वो यहाँ इंगित करेंगे जो जनता की, एक से कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया, जनादेश का अपमान किया, जनता के खिलाफ काम किए, वादा खिलाफ की, वो सारी चीज़ें यहाँ उजागर होंगी आज। अर्चना शर्मा जी का दावा है कि राहुल गांधी के दौरे से यकीन पार्टी को फायदा होगा। एक मैं ताजा जानकारी दे देता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री और संगठन महासचिव अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर में राहुल गांधी के साथ दिल्ली से। बिल्कुल दिनेश, जैसा कि आपने यहाँ पर जानकारी दी, तकरीबन 11:30 बजे का वक्त है जब राहुल गांधी धौलपुर वहां पर पहुंच जाएंगे और खासा उत्साह जो है कार्यकर्ताओं में वो भी देखा जा रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि धौलपुर यहाँ पर इसलिए भी चुना गया है क्योंकि सीएम राजे का एक गढ़ है, लेकिन क्या इस गढ़ में सेंध लगा पाने में राहुल गांधी कामयाब हो पाएंगे? जैसा कि यहाँ पर अर्चना जी ने कहा कि इससे पहले सोनिया गांधी भी आ चुकी हैं, लेकिन मुश्किलें यहाँ पर धौलपुर के लिए कहे कांग्रेस के लिए बनी हुई है। देखिए, धौलपुर जिले की बात करें, 4 यहाँ पर विधानसभा सीट है। राजाखेड़ा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रद्युम्न सिंह विधायक है, बाड़ी से गिरिराज मलिंगा विधायक है, वो कांग्रेस से, पहले वो बसपा में थे, इसके बाद बसेड़ी और ये दशहरी और धौलपुर सिटी। जिस तरह आपको याद होगा धौलपुर उपचुनाव भारी अंतर से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था और फिर 3 उपचुनाव जीतकर कांग्रेस ने उसका जवाब दिया। मैं जहाँ खड़ा हुआ थोड़ी दूर जो है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आवास है, उनका ये होम टाउन है। तो इसके अलावा पूरी राजस्थान में बसपा कई सीटों पर अच्छी पकड़ रही है और ये भरतपुर संभाग में एरिया आता है जिसमें धौलपुर करौली भरतपुर आता है। पिछली दफा भी कांग्रेस का अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन रहा, 7 उनके अभी फिलहाल विधायक है, करौली में 3 विधायक जीते हैं, धौलपुर में उनके 2 विधायक जीते हैं और विश्वेंद्र सिंह और वेर उपचुनाव में भजन लाल जाटव जीते थे। तो कह सकते हैं अच्छी स्थिति में थी। बिल्कुल, और दिनेश, इस दौरान हालांकि कोशिश भी की जा रही थी कि बसपा के साथ गठबंधन यहां पर कर लिया जाए। जैसा कि आपने बताया कि बसपा एक बड़ा फैक्टर है, एससी वोटर्स जो है वो ज्यादातर यहाँ पर धौलपुर में है, काफी संख्या है। ऐसे में अब जब मायावती ने यहाँ पर दरकिनार कर दिया है गठबंधन करने से, तो इसके बाद भी कह सकते हैं मुश्किलें यहाँ पर ज्यादा भी इस वजह से यहाँ पर कांग्रेस के लिए सामने आए हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी जब 2 दिन के दौरे पर आए हैं, 2 महीने की तकरीबन अगर बात करें तो 2 बार दौरा कर चुका है, तीसरे बार जब ये दौरा वो कर रहे हैं तो इसलिए भी ये लिहाज से चुना गया है धौलपुर। जी बिल्कुल, राहुल गांधी का प्रोग्राम है जो अचानक बना है 9 दिन पहले। पहले उनका बीकानेर जरूर आने का था 10 अक्टूबर को, लेकिन 9 अक्टूबर को जिस तरह मायावती का बयान आया कि हम बसपा जो है कांग्रेस से गठबंधन इन 3 चुनावी राज्यों में नहीं करेंगे, तो अचानक राहुल गांधी का दौरा बना। तो आज राहुल गांधी इस पब्लिक मीटिंग में ये मैसेज दे सकते हैं कि बसपा
या किसी अन्य दल को अपना वोट देकर है बेकार नहीं करे, क्योंकि एक जो प्रोग्राम हुआ था राहुल गांधी ने साफ उसमें बयानबाजी की थी कि बसपा के गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कांग्रेस अच्छे अंतर से जीतने वाली है। तो ये राहुल गांधी आज जरूर मैसेज देंगे कि आप बसपा या फिर किसी अन्य दल को वोट देकर। दिनेश, यहाँ पे एक सवाल अहम है, जैसा कि आपने पूरा समीकरण आंकड़ों का सियासी समीकरण जो धौलपुर कर रहा है उसके बारे में बताया, साथ ही साथ उपचुनाव में किस तरीके से पटकनी दी है कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को, इस बात का भी जिक्र किया है। दरअसल चुनाव में या फिर राजनीति में होता क्या है, अगर हम किसी बड़े दिग्गज के गढ़ में जाते हैं तो वहां से हम संदेश देने की कोशिश करते हैं कि हम यहां भी खड़े हैं, हम यहां भी मजबूती से खड़े हैं। तो क्या इसी सच्चाई को एक बार फिर से साबित करने के लिए यहां के रण में यानी धौलपुर के रन में पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, और यहां से ना सिर्फ धौलपुर की राजनीति वो साधेंगे बल्कि यहां से खड़े होकर पूरे राजस्थान की राजनीति को साधेंगे? बिल्कुल, ये एक बार फिर हम अर्चना शर्मा से जुड़ेंगे, उनसे जानते हैं राहुल गांधी का अचानक में स्पेसिफिक इसी क्षेत्र में दौरा क्यों बना। देखिए, ये सब पाइपलाइन में रहते हैं उनके दौरे, ऐसा नहीं कि कोई टारगेट करके किया जा रहा है। अभी जयपुर में भी किया था, बीकानेर जाने का था ही, उसके बाद भी अन्यत्र स्थानों पर कार्यक्रम होंगे, और इस क्षेत्र में मांग थी जनता की, इस कार्यक्रम को निर्धारित किया और इसको शेड्यूल भी इस प्रकार से किया गया कि दो दिन जो कार्यक्रम से जयपुर भी आ जाएंगे वो धौलपुर का इलाका कवर होगा और इसके बाद बीकानेर जाएंगे। तो इसको ये मत मान करके चलिए कि गठबंधन की कोई परिस्थिति हुई, क्योंकि जनता जो है पूरे देश में, वो किसी भी जाति समाज और वर्ग की हो, उसका आकर्षण अब कांग्रेस के प्रति सारी उम्मीद। मुख्यमंत्री धौलपुर में इस क्षेत्र में खूब विकास कराए, ईस्टर्न वेस्टर्न जैसा एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए। देखिए, प्रोजेक्ट तो कहाँ आया मुझे बताइए, प्रधानमंत्री आए जुलाई में अगस्त में, तब भी कहा कि हम टेक्निकल सर्वे करवा रहे, इस बार भी वो टेक्निकल सर्वे की बात कहकर चले गए। किसानों की कर्ज माफी का जो झुंझुना था वो भी झुंझुना ही साबित हुआ, क्योंकि करना था कर्ज माफी और बिजली की दरें जो माफ करने की बात थी तो उसको पहले करना चाहिए था जब वो शासन में थे। जाते जाते अगर आप घोषणा करते हो उसका कोई मायने नहीं रहता, वो झुंझुने के स्वरूप में होता है। ये तो वो पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं 15 लाख रोजगार देने या 15 लाख खातों में आने की बात कहकर जुमलक करार देकर के खुद इस धरा पर गए थे, उस पार्टी के किसी भी नेता पर यहाँ पर जनता विश्वास नहीं करेगी। धौलपुर की दिनेश, एक सवाल यहाँ पर, हालांकि जुरान दौरे की तैयारियों को लेकर कई दिग्गज नेता यहाँ पर जुटे हुए हैं, सचिन पायलट भी यहाँ पर मौजूद है, अशोक गहलोत की बात करें तो वो फिलहाल कहाँ पर मौजूद है और इस दौरान कहाँ की तैयारियों का वो जायजा ले रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपको अभी ताज़ा अपडेट दिया था कि अशोक गहलोत दिल्ली में हेलीकॉप्टर में राहुल गांधी के साथ है, मनी आएंगे, यानी वो दिल्ली से राहुल गांधी के साथ ही आ रहे हैं। कल अचानक उनको दिल्ली बुला लिया गया था, तभी ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि जिस तरह अशोक गहलोत, आपने देखा होगा उदयपुर के सागवाड़े में सभा हुई तो दिल्ली से साथ आए थे, क्योंकि वो संगठन महामंत्री होते हैं और बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस को मजबूत करने की उनकी है। तो कल अचानक शाम को अशोक गहलोत दिल्ली गए, तभी से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि वो राहुल गांधी के साथ हेलीकॉप्टर से ही इस उनके साथ आएंगे। तो अभी जो है हमें तुरंत सूचना मिली है कि अशोक गहलोत राहुल गांधी के साथ हेलीकॉप्टर से मनिया आएंगे। जी चलिए, दिनेश हम आपका फिर से रुक